हमारे साथ है नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय। नेपाल में जिस तरह से आपदा आई है उसके बाद से राहत और बचाव कार्य और वहां काफी देशों की तरफ से किया जा रहा है और इसमें भारत भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। सर, नेपाल में जिस तरह से आपदा आई है राहत और बचाव कार्य तमाम देश के लोग कर रहे हैं और भारत भी कर रहा है, तो क्या जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है लोगों के बचने की उम्मीदें थोड़ी कम होती जा रही है? हाँ, ये तो है, देखिए, लेकिन अब भगवान का ही अभी माया है, निर्माण संहार वही करता है। कल तक भी वी आर गेटिंग सर्वाइवल्स। अभी हमको थोड़ा सा अपडेट, हम अभी नहीं होकर थोड़ा सा बिजी दूसरे से थे, आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्वाइवल मिला होगा, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स जो भी हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। कहीं भी थोड़ा सा भी लाइफ का संभावना, यानी आपकी आशा रहने के बाद में बहुत मेहनत से वो लोग जुट रहे हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। और जैसे जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने तो इतना प्रोएक्टिव रोल खेला कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब एक घंटे के अंदर में हमी से टेलीफोन में बात किया, फिर राजनाथ जी, गृहमंत्री जी का फोन आया, फिर तमाम जैसे आपके यहाँ से कंसर्न दिखाई गई, और 3 बजे आपात बैठक बैठने के बाद में 4 बजे नेपाल में उड़ने के लिए जहाजें तैयार थी। युद्ध स्तर में इतना तैयारियां हुई, बल्कि हम अपने थोड़ा सा नेपाल सरकार का भी आपातकालीन मीटिंग बैठी, वहां से निर्णय होना था, तो निर्णय होने से पहले ही हमने भी अपनी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से कंसेंट लेके फॉर्मल रिक्वेस्ट किया, तुरंत जहाज उड़ा। फॉर्मल रिक्वेस्ट के बाद तुरंत जहाज उड़ा, क्योंकि जैसे यानी अब सेना के जहाज जाने के लिए, कोई भी राष्ट्र का हो, विदेशी राष्ट्र का सेना का जहाज जाने के लिए स्पेशल निर्णय कैबिनेट का होना जरूरी था। तो इस सब जैसे होने के बाद इतना प्रोएक्टिव रोल, और जो विपदाएं का भारत का जो पुराना यानी अनुभव था, इसका जैसे हम अब इसको जैसे यानी बहुत, हम ही नहीं संपूर्ण नेपाल प्रशंसा कर रहा है और विदेशी लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं कि सो मच प्रोएक्टिव रोल भारत की तरफ से जो खेला गया, इसके नाते जैसे काफी जैसे अभी लोग बचने में सफल हुए, तो इसके प्रति हम आभार भी प्रकट करना चाहेंगे। और इसके बाद देखिए, नेपाल के टेरेन अब आप लोग तो जानते हैं, पड़ोस के हैं, हिमालयन टेरेन में कोई जैसे आपका कुछ कुछ जैसे जो रोड कनेक्शन की थे वो भी जैसे आपके भूस्खलन से ज़्यादा डैमेज है, अभी रास्ता खुलने का संभावना नहीं है। सिर्फ हम चोपर्स की वजह से, हेलीकॉप्टर की वजह से वहाँ जैसे रेस्क्यू करना, घायलों को लाना, सब निकालना, और खाद्य सामग्री वगैरह जो भी आपातकालीन वस्तुएं वहाँ जैसे आपके हेलीकॉप्टर से हो पाता है, तो ये जैसे यानी आपका शुरू अब हो चुका है, जैसे यानी आपके रेस्क्यू के साथ में अब जैसे रिलीफ वर्क्स भी बहुत बड़े पैमाने में काफ़ी जैसे वॉलंटियर्स आपके मित्र राष्ट्र भारत से और भी मुल्क से भी काफ़ी तादाद में वहाँ है। इस नाते हम ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम आप आते वक्त देखे होंगे यहाँ जैसे आपका इतना रिलीफ मटेरियल्स आपका आ रहा है कि हमने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सुना था बहुत, हम लोग तो सोशल पॉलिटिकल वर्कर हैं बोले थे, लेकिन हार्ट टू हार्ट कॉन्टैक्ट का जो जैसे हमने यहाँ पाया, यहाँ आपकी सरकारी गैर सरकारी कोई फर्क नहीं दिखी। एक रिक्शा वाला भी यहाँ आता है एक दो पैकेट के साथ में कि साहब ले लो, ये हमारा भाई बहन का बात है, हम मदद करेंगे। ये देखिए, हाँ, नेपाल को फिर उभरना है, नेपाल मस्ट रिवाइव। इस किस्म का देखिए, जैसे यानी सरकार का तो ही है, संपूर्ण गैर सरकारी क्षेत्र सबके तरफ से तो इतना इंस्पिरेशन, क्योंकि हमें देखिए सिर्फ तो ही हफ्ता हुआ, एक हफ्ता के बाद ही हादसा हुआ, परसों ही हमारा जैसे यानी आपका क्रेडेंशियल था, अब हमने कोई जैसे मतलब यानी इसमें कुछ सोचे समझे जैसे आपके कोई भी झिझक के बिना हम जैसे भारत सरकार की तरफ से, संपूर्ण स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इतना उत्साह, इतना सहयोग हम पा रहे हैं सभी पार्टीज की तरफ से, बहुत बड़ी बात है। तो हार्ट टू हार्ट जो रिलेशन का बात है, इसका अनुपम अब उदाहरण है। हम तो सिर्फ कहेंगे कि आप लोग मीडिया वाले इसको थोड़ा सा अपने तरीके से पता लगे इसके किस किस्म का है। मतलब आपको ये बात बड़ी छू रही है कि भारत सरकार के अलावा, एक से कहा जाए कि भारत सरकार के अलावा जो भारत की आम जनता है, जिसे रिक्शा वाला जिसका जिक्र कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ आकर अपना सहयोग यहाँ दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यानी बड़े कॉरपोरेट हाउस सरकार तो कर ही रही है, केंद्र सरकार, आपके जैसे यानी प्रदेश सरकार, और बाकी आपके जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो तो कर ही रहे हैं। एक सामान्य जैसे आपके नागरिक भी अपने स्तर से स्वतः स्पताब नीचे देख रहे हैं ना। हम तो अपना थोड़ा सा मीडिया को जैसे वेबसाइट को अपडेट किए हैं, हमारे सोशल मीडिया को थोड़ा सा एक्टिवेट किए हैं उसके जरिए, ताकि सूचना संप्रेषण हो,
और हम मीडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों की वजह से कम सारा विश्व नेपाल के बारे में जान रहा है, यहाँ क्या हो रहा है जान रहा है। तो इसके लिए ये लोग जैसे अपना यानी अब सप्लाई में नीड बेस्ड हो ये हम प्रयास कर रहे हैं, और नीडी पीपल के पास में डायरेक्टली पहुंचे जल्दी पहुंचे ये हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो यही के लिए सब लोग कर रहे हैं। भारत की तरफ से विदेश सचिव भी गए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी गए हैं, और भारत की मंशा ये है कि ये जो नेपाल में सहयोग है ये लॉन्ग टर्म हो, ये शॉर्ट टर्म नहीं हो, एक पूरा जो राहत और रिकंस्ट्रक्शन का काम है उसमें भी भारत अपना सहयोग लॉन्ग टर्म में देना चाहता है। जरूर देखिए, ये जरूरी है क्योंकि अब नेपाल ऐसा है कि मोन्यूमेंटल सिटी है काठमांडू सिटी, और जैसे बहुत प्राचीन संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई है, खास करके पूर्वीय दर्शन का तो आधार भूमि है। तो इसको जैसे यानी फिर से जैसे यानी जैसा था वैसे बनाने के लिए आप जानते हैं नॉलेज या विजडम ये नेवर परफेक्ट, हम सबसे मिलकर यानी काम करना चाहेंगे। तत्काल जैसे आपका ये रेस्क्यू रिलीफ वर्क होने के बाद में यानी जो होमलेस पीपुल हैं उनको थोड़ा सा एक अपना सेटलमेंट करना चाहेंगे, उसमें भी हम सबका सहयोग चाहेंगे। इसके बाद जैसे यानी जो मोन्यूमेंटल जैसे इसके जो भी विश्व संपदा सूची में सूचीकृत संपदा ही नहीं, बाकी जैसे सयों बस साल पुराने बहुत ही जैसे वहाँ के मंदिर हैं, मंदिरों के नगर है काठमांडू सिटी, तो इस सबको भी जैसे आप जैसे था वैसे रिवाइवल करने के लिए एक लॉन्ग टर्म इसका जैसे प्लान होगा, एक्शन प्लान होगा। उसने सब ने जैसे यानी कल राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि देखिए नेपाल को रिवाइव होना है, संपूर्ण भारत सरकार तो ही है, संपूर्ण भारत साथ में रहेगा करके वो भी जैसे कहे, इसे हम लोग वी आर रियली इंस्पायर्ड। सभी मुख्यमंत्री जी लोग भी जैसे यानी टेलीफोन करके बता रहे हैं कि भाई इसको रिवाइव होना है, आपको लॉन्ग टर्म एसोसिएशन किस किस्म का सहयोग चाहिए उसमें हम लोग रहना चाहेंगे, यहाँ के जितने भी आपके संस्थाएं हैं वो भी ये कह रहे हैं। तो इस नाते देखिए हम अब कम से कम जैसे आपको 80 से ऊपर विश्व के जैसे प्रमुख लोग यानी देश के राजदूत यहाँ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन नेपाल भी वो देखते हैं, तो उन लोगों का भी कंसर्न है, कोई तो डेलीगेशन के साथ पहुंच रहे हैं, बाकी सब यहीं से संपर्क में हैं। तो इस नाते हमारा अभी काम यही है कि हम जैसे यानी सबसे समन्वय करें और वहां का जैसे यानी नीड का थोड़ा सा जैसे ट्रांसपेरेंट हम इसको जैसे यानी कोऑर्डिनेट करें सप्लाई और नीड को, और जैसे आपके बहुत जैसे यानी प्रभावकारी हिसाब से जल्द पीड़ित के हाथ में पहुंचे।